ये तस्वीरें 12 अक्टूबर 2019 की हैं, जब देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को महाबलीपुरम के समंदर तट पर प्लास्टिक का कचरा चुनते हुए देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर प्लास्टिक के कचरे को क्यों हटा रहे थे? इसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 1 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक नदियों और नालों के रास्ते महासागरों में प्रवेश करता है, जो 80% से अधिक समुद्री कूड़े के लिए जिम्मेदार है। ये प्लास्टिक सिर्फ जल प्रदूषण के लिए ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके सेवन से मछलियों, कछुओं और अन्य समुद्री जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तल पर तैरने वाला ये भाग कुल प्लास्टिक का सिर्फ 1% है, जबकि 99% समुद्री जीवों के पेट में है या फिर समुद्र तल में छिपा है। ये तो बात थी दुनिया में प्लास्टिक से हो रहे जल प्रदूषण की। अब आपको हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। भारत में भी प्लास्टिक का उपयोग आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। हर साल तकरीबन 56 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में हर रोज 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। असलियत में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए आज के समय के सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो चलिए हमारी इस नई मुसीबत के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक का दुष्प्रभाव। प्लास्टिक के कुछ उत्पाद जैसे कि थैलियां आदि को डिग्रेड या सड़ने में काफी अधिक समय लगता है और इस बीच में ये हमारी मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित कर देती हैं। प्लास्टिक में कुछ जहरीले रसायन होते हैं जो मिट्टी और पानी के जरिए हमारी फसलों और खाद्य पदार्थों में प्रवेश करते हैं और फिर इन्हीं खाद्य पदार्थों के सेवन से ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि प्लास्टिक को जानवरों या इंसानों द्वारा खा लिया जाता है तो ये उनके तंत्र, फेफड़े व अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण परिवेश में जाने अनजाने में पशु प्लास्टिक निगल जाते हैं, जिसके बाद वो बीमार पड़ते हैं और इससे उनकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से सड़ने या गलने वाला उत्पाद नहीं है। ये ना मिट्टी में सड़ सकता है और ना ही पानी में घुल सकता है। वक्त के साथ साथ ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेता है और फिर मिट्टी और पानी को दूषित करती है। प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया और भी खतरनाक है, क्योंकि जलने के बाद प्लास्टिक से ऐसे जहरीले केमिकल हवा में फैलते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ये सच्चाई है कि प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऐसे में प्लास्टिक सामानों से बचने के लिए हमारे पास कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जैसे प्लास्टिक के डिस्पोजल के तरीके। प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े, जूट या कागज से बनी थैलियों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की क्रॉकरी के बजाय मिट्टी के कुल्हड़ या पत्तों से बनी क्रॉकरी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बोतलों में भरे तरल पदार्थों का सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह है, ऐसे में धातु या मिट्टी से बनी बोतलें एक बेहतर विकल्प हैं। घरेलू सामान जैसे बच्चों के खिलौने, फर्नीचर और बर्तन खरीदते वक्त ध्यान रहे कि वो प्लास्टिक से ना बने हों। लकड़ी और धातु से बने सामानों को ज्यादा तवज्जो दें। सिंगल यूज यानी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर्यावरण के लिए ज्यादा खतरनाक है। बायोप्लास्टिक इसका एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि बायोप्लास्टिक को शोधित कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्लास्टिक का बहिष्कार करना बेहद जरूरी है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को प्लास्टिक के बहिष्कार का संदेश दिया। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि वो 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराएंगे। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सरकार ने प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए हैं, जैसे प्लास्टिक के खिलाफ जंग।
40 से 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग यानी थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कचरे में पहुंचने के बाद ये प्लास्टिक आसानी से गल नहीं पाती, जिसकी वजह से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये नियम सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और अन्य वस्तुओं के खिलाफ कड़े मानदंड अपनाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यालयों से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का बहिष्कार करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों, 20 राज्यों की राजधानियों और गंगा के किनारे स्थित 118 शहरों के आयुक्तों को 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण और उपयोग दोनों पर रोक लगाने के निर्देश हैं। प्लास्टिक एक ऐसा जहर है जिसका प्रभाव सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। विश्व भर के करीब 60 देशों ने प्लास्टिक की थैलियों और सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर कठोर कानून बनाए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर अब हमारा देश भी इसी फेहरिस्त में शुमार हो गया है। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसका बहिष्कार करना हमारी भी समझदारी और नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम भी प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से दूर भगा सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ पर्यावरण दे सकते हैं। तो आइए आज हम भी से नो टू प्लास्टिक का संकल्प लें और एक समझदार नागरिक बनें।